एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक एंटी एजिंग फेस पैक जो कि आपकी सेटिंग स्किन को टाइट करेगा, फेस को एक अपलिफ्ट देगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स दूर करेगा, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को, आपके फेस को एक यूथफुल ग्लो देगा। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इस एंटी एजिंग फेस मास्क का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक ग्रेप्स, यानी कि काले अंगूर। 8 से 10 काले अंगूर आपको लेने हैं। ब्लैक ग्रेप्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं और इसमें विटामिन ई भी काफी मात्रा में होता है जिससे रिंकल्स और फाइन लाइन्स दूर होती हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ओट्स। ओट्स को मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। ओट्स में 18 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये अमीनो एसिड्स आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और ओट्स आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं। फेस पैक का थर्ड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, सपल बनाती है, सैगिंग स्किन को टाइट करती है और स्किन पर दाग धब्बे हैं तो उनको भी दूर करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी, यानी कि शहद। शहद आपके स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और दाग धब्बे मिटाता है, साथ ही साथ स्किन पर एक नया ग्लो भी लेकर के आता है। अगला इंग्रेडिएंट है रोगन बादाम शीरीन या स्वीट आमंड ऑयल। बादाम रोगन से स्किन पर एक नया ग्लो आता है, झुर्रियां खत्म होती हैं और स्किन के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। सबसे पहले आप ब्लैक ग्रेप्स को मिक्सी में ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लीजिए। देखिए, ग्रेप्स का पेस्ट रेडी है। अब एक क्लीन बाउल लीजिए, उसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर डालिए और 1 चम्मच ओट्स पाउडर डालिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ग्रेप का पेस्ट, 1/2 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच स्वीट आमंड ऑयल। इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक थिक पेस्ट बना लीजिए। तो ये हमारा स्किन टाइटनिंग एंटी एजिंग फेस मास्क रेडी है। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ। इस एंटी एजिंग फेस मास्क को 30 मिनट्स के लिए आपको अपने चेहरे पर लगाना है और उसके बाद आपको पानी से चेहरे को धो लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे आप 1 वीक में 2 बार यूज कीजिए और 3 से 4 दिन तक आप इसे इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखा आपने, आपके घर से आपकी किचन के प्रोडक्ट्स को यूज करके ही आप अपनी स्किन को जवां बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में इसे शामिल कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें। तो एक ब्यूटी टिप या हेल्थ टिप लेकर फिर मैं आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।